बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में 1,30,00,000 रुपए की घड़ी हथिया ली गई। इस्लामाबाद सेक्टर F10 की मस्जिद में शहरी नमाज की अदायगी के लिए गया और नौसरबाजों के हत्थे चढ़ गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में यह वाकया पेश आया है सेक्टर F10 में, जहां मस्जिद में शहरी नमाज की अदायगी के लिए गया था। इस मौके पर नमाज पढ़ने के दौरान नौसरबाजों ने शहरी के कपड़ों पर केमिकल फेंका। कपड़े ख़राब होने पर कमीज उतारने के बहाने सफाई से घड़ी उतार ली गई। तो ये वाकया पेश आया और अब इस्लामाबाद के थाना शालीमार में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। 1,30,00,000 रुपए की कीमत बताई जाती है इस घड़ी की, जो कि हथियाई गई है नौसरबाजों की जानब से इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का है सेक्टर F10, इसके FIR दर्ज कर ली गई, जिसे अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ये शहरी नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद गया था, जहां पर नौसरबाजों ने इसके कपड़ों पर केमिकल फेंका और फिर कपड़े जब केमिकल कमीज उतारने के बहाने सफाई से इसकी घड़ी भी उतार ली गई। तो ये वाकया पेश आया इस्लामाबाद में F10 में और इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस शख्स के बारे में बताया जाता है कि ये चंद रोज़ पहले ही बरतानिया से इस्लामाबाद आया था और अब इस्लामाबाद के थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद थाना शालीमार के इलाका में इंग्लैंड से पाकिस्तान आने वाले शहरी के साथ नौसरबाजी की बड़ी और अनोखी वारदात सामने आई है। उसके बाजू पर बंदी 1,30,00,000 रुपया माली की गाड़ी नौसरबाज लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मदियत में वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें यह मौका इख्तियार किया गया कि शहरी इंग्लैंड का रिहायशी है, पाकिस्तान आया, यहाँ कुछ दिनों से रह रहा था, लेकिन जैसे ही वो गुज़श्ता रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो किसी नामालूम शख्स की जानिब से उसके कपड़ों पर केमिकल फेंका गया। कपड़े खराब होने पर चंद लोग और आए और कहा कि कमीज उतार दें, हम ये साफ कर देते हैं, और इस बहाने उसकी बाजू पर बंधी 1,30,00,000 रुपए मालियत की कीमती घड़ी लेकर फरार हो गए। तहम पुलिस का कहना है कि मुल्जमान की तलाश भी जारी है। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, उम्मीद से यकीन तक पाक सरजमीन तक। मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में MSF के इजलास से खिताब। मरियम नवाज का कहना था कि ना वो इंतकाम पर यकीन रखती हैं और ना ही नवाज शरीफ। वालिद की कमजोरी बनने की बजाय उनकी ताकत बन गई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज आवाम में जाने के काबिल नहीं है। 200 के करीब मैंने पेशे पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। अपने वालिद के साथ मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था, ये कोई बेड ऑफ रोजेस भी नहीं था। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई, और किसी और ने साथ दिया ना दिया, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वो शख्स है, 25 करोड़ आवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन एक बार 2.5 साल, 3 साल और 1 बार 4 साल में उनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया। अल्लाह के फजल व करम से नवाज शरीफ के मंसूबे, उसकी खिदमत अगर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख से निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। हाफिज नईमुर रहमान चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते थे, अपने नाम के साथ मेयर लिख लें, गवर्नर सिंध का मशवरा। कहा नादरा शनाख्ती कार्ड पर मेयर हाफिज नईमुर रहमान लिख दे। हाफिज नईमुर रहमान ने मुझे पाक का इफ्तिताह करने से रोका। हाफिज नईमुर रहमान भी बरस पड़े, कहा गवर्नर सिंध कब्जा माफिया के साथ पाक का इफ्तिताह करने आए, पाकों की चाइना कटिंग नहीं होने देंगे, गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान न बने। हाफिज नईमुर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें। मैंने कहा हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, कि आप मेरे नाम की तख्ती हटा दें, आप वहाँ अपनी तख्ती लगा दें, और अगर ज़्यादा ही है तो आप मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब की तख्ती लगा दें। मैं नादरा को खत लिख देता हूँ कि इनके ID कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान कर, आप मेयर नहीं बने, उस चीज़ का बदला इस शहर से ना लें। मैं समझता हूं चाइना कटिंग के जरिए तो आप मेयर बनना चाह रहे थे। अगर MQM पाकिस्तान इस बल्दियाती इलेक्शन का बाइकॉट ना करती तो आप कैसे सेंट्रल में ये सीटें ले लेते। ये अरबों रुपए जो कराची के न्यून साइंस पर होर्डिंग्स पर लगे हुए हैं
उस तशरी के पैसे कहां से आए? आपने मर्दमशुमारी में छुरा घोंप दिया, आपने डकार नहीं ली हमारी 1.5 करोड़ आबादी, उसके लिए कुछ करते नहीं है। कब्जा माफिया को लेकर आकर इफ्तिता करने आए, फिर आवाम तवाजो करते हैं तो आपको परेशानी होती है। पार्टी वर्कर ना बने वो, अगर एमक्यूएम के तर्जुमान बनकर चाइना कटिंग मास्टर्स को दोबारा से पार्कों पे मुसल्लत करके आबादियों में फिर वही निजाम लाना चाहते हैं, वो हम नहीं करने देंगे। अब हम मजीद मुतहम्मिल ये शहर नहीं हो सकता कि हमारे पार्कों पे चाइना कटिंग मास्टर आके बैठ जाए, खा जाए हमारे शहर को। नहीं चलेगा ये, वो ठेके पे देकर, ताकि मकामी लोग जो है अपने पार्क से इस्तेफादा ना करें, ठेकेदारी निजाम के तहत कब्जा चले, उसी में फिर सेक्टर यूनिट ऑफिस बन जाए बात। ये कब्जा सिस्टम इस शहर में नहीं चलने देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। सरदार हसन अख्तर मोकल के साहबजादे और वसीम सज्जाद की बहू ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जहां जेब हसन मोकल ने मुलाकात की और साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वसीम सज्जाद की बहू माहरुख हमीद ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से बार काउंसिल के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई। मुलाकात में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस पर साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी और चीफ जस्टिस में दिलचस्प मकालमा हुआ। आबिद साकी ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ने कहा, केस मुकर्रर ना हुआ तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? जिस पर आबिद साकी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी मैं धरना दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। 3 सफात के तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया है कि ज़ेर इल्तवा होने पर बेंचेस की तश्कील पर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की गई। सीनियर जजेस ने बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक चीफ जस्टिस से इत्तफाक किया। चीफ जस्टिस मुकदमात मुकर्रर और बेंच तश्कील देने के लिए दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि आशोब चश्म की बीमारी ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। अस्पतालों और क्लिनिक्स में लोगों का रश लग गया। वबा की अलामात में आँखों में जलन, सुर्खी, पानी बहना, ख़ारिश और सूजन शामिल हैं। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में असातज़ा और तलबा भी वबा का शिकार होने लगे। माहिर अमराज़ चश्म प्रोफेसर असद असलम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। आशोबे चश्म वबाई शक्ल अख्तियार कर गई। रोजाना अस्पतालों और क्लिनिक्स में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गए। आंखों में जलन, सुर्खी, पानी बहना, खारिश, सूजन आशोबे चश्म की अलामत हैं। माहिरीन के मुताबिक आशोबे चश्म का शिकार अफराद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मरीज अपना तौलिया, तकिया, रुमाल अलग रखें। पानी के छींटे मारने की बजाय आँखों में कतरे डालें। ये हर साल देखने को मिलता है और ये उस मौसम में होता है जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, इसलिए आँखों को ना हाथ लगाएं, अपना तकिया, तौलिया, रुमाल अलग-अलग रखें, स्याह चश्मा लगाएं। स्कूलों में भी आशूबे चश्म की वबा फैल गई। 20% तलबा और असातज़ा आशूबे चश्म में मुब्तला हो गए। बेशतर स्कूलों में आशूबे चश्म के हवाले से फर्स्ट एड दस्तियाब नहीं। तलबा ने एजुकेशन अथॉरिटी से वबा में मुब्तला बच्चों को छुट्टी देने का मुतालबा कर दिया। और आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि पेशावर और पशीन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से 4 सितंबर और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पेशावर से 5 सितंबर को सीवरेज के नमूने लिए गए। पाकिस्तान पोलियो लेबॉर्ट्री ने सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की। रिपोर्ट में कहा गया कि वायरस जनियाती तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद वायरस से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान कहते हैं कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक है। शहर कायद में बारिश क्या बरसी के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी ही अजीरन कर दी। कराची में चंद घंटों की बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। देखिए इसी बारे में सबा परवेज की रिपोर्ट। शहर कायद में काली घटाओं और बारिश के साथ मौसम दिलकश तो हो गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद करके सारा मजाक किरकिरा कर दिया। शहर में बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा, कोरंगी, औरंगी, ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी समेत कई इलाकों में भी बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदार कहते हैं बिजली की अदम फरामी पर बहुत परेशान हैं। उन्होंने शिकवा किया कि चंद कतरे क्या गिरे, बिजली ही बंद हो गई। बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे, डबल आ रहे। हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। ये मोबाइल बनने के नहीं आए हुए, ऐसे पड़े हुए लाइट गई हुई है। 2 कतरे बारिश के पड़े,
लाइट बंद हो गई है। शहरियों और दुकानदारों ने मुतलका इदारों से बिजली बंदिश से निजात दिलाने की अपील की है। सिंध के कच्चे और पक्के इलाकों में एक जैसा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस का तावुन भी होगा। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की घोटकी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगु। मुजरिमों और सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म दोहरा दिया। इकट्ठा हम ऑपरेशन करेंगे, हमारे साथ होगी, पुलिस के साथ होगी और वो हथियार देंगे जो झड़ियों के पास नहीं है। एक हमारे पास बहुत मीन्स है, हमने ये सोच लिया कि इसको किस तरीके से हमने टैकल करना है, किस तरीके से कोलेटरल डैमेज ना हो, फैमिलीज पर नुकसान ना हो, और इस सोच समझ के हम इसको बिल्कुल करेंगे। इसमें ऐसी कोई मुकर हमें अब पता चल चुका है कि जानवर मानव के मास्क के साथ कहाँ पर है, किसके पास है। अब ये हम इस वक्त थे क्योंकि हमारे पास हमने नई काफी पोस्टिंग की है, अब एवरीबॉडी इंफॉर्मेशन तो आपको देखेंगे एक या दो हफ्ते में ये चीजें नजर आती हुई नजर आएंगी, क्लियर नजर आएंगी। हम छत्तर जा रहे हैं, फैसल से हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनकी फैमिली से मेरे पास में फैमिली से उनको भी रीअश्योर कराएं कि कोई इसमें हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, चाहे वो पीर है जो भी है, जिसने कानून को हाथ लिया है उसको कानून का सामना करना पड़ेगा।